नमस्कार साथियों, एक बहुत ही बड़ी साजिश और उसको दबाने का कई तरीका होता है और एक जो तरीका है जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बताओ। कहने का मतलब ये है, हंगामा पूरे देश में था, हर तरफ चर्चा थी, हर न्यूज़ चैनल पे चर्चा थी, हर सोशल मीडिया पे चर्चा थी और हर किसी की एक ही डिमांड थी कि इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा। शुरुआती दिनों को अगर आप याद करें तो आपके मन मुताबिक सारे काम जल्दी जल्दी कर दिए गए, यानी कि हमारा पहला डिमांड था कि इस मामले में सीबीआई को लाया जाए और आनन फानन में उस टाइम जिस तरीके से काम हो रहा था आपको याद ही होगा कि कैसे मामले को बिहार पुलिस को सौंपा गया और बिहार पुलिस ने पटना में जीरो FIR किया और तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली और वो उसके बाद सीबीआई जांच हो गई। मुख्यमंत्री से लेकर के हर कोई एक्टिव हुआ और मामले को निपटा दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। ऐसा लगा था कि मामला सीबीआई के पास है तो अब बहुत कुछ तुरंत होने वाला है। बातें हुई, चर्चा हुआ, हर तरफ उम्मीद की किरण जगी, हर कोई ये सोचने लगा कि शायद अब इस मामले में मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना 3 महीने में कुछ हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी मैं बोलता था समय लगेगा, लेकिन इतना समय लगेगा ये पता नहीं था। अब अगर दूसरी तरीके से सोचें कि इस मामले में आखिर हो क्या रहा है, बातें इंसाफ की हो रही थी लेकिन जैसे ही मामला सीबीआई के पास गया सब कुछ बंद कर दिया गया, यानी कि कोई अपडेट नहीं है। 1 साल 11 महीने 14 मई को पूरे हो जाएंगे लेकिन अपडेट्स बिल्कुल बंद हो गए, कोई अपडेट्स नहीं है। इसे कहते हैं कि एक बड़ी ही साजिश के तहत चीज़ों को ख़त्म करना। जनता भी कहेगी कि हमने तो आवाज़ उठाई, सरकारें ये कहेंगी कि हमने आपके मन मुताबिक जांच एजेंसी भी आपको दे दिया, अब आप कहेंगे तो किसको कहेंगे। लेकिन रिजल्ट तो उन्हीं को देना है और वो रिजल्ट देंगे 8 साल के बाद, और 8 साल के बाद जब लोग इस मामले को भूल जाएंगे, लोग इस मामले को भूलने की पूरी एक इतिहास बन जाएगा ये मामला, और उस दिन ये आएंगे और चुपके से कुछ कह देंगे। ये कहते हैं इसे साजिश, और साजिश के तहत ये चीज़ें हो रही है। याद करिए वो वक्त जब कैसे रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगे थे और ये निकल करके भी सामने आया काफ़ी कुछ कि 15 करोड़ रुपए उसने उधर ट्रांसफ़र करवा लिए, उसने बैंक अकाउंट खोले, कंपनी खोली, भाई को डायरेक्टर बनाया, खुद डायरेक्टर बनी, और पैसे किसके लगे तो पैसे लगे SSR के, और उस पैसे को कितनी चालाकी से अपनी कंपनी में शिफ्ट करवाया गया और इन्हीं के पैसे से विदेश के दौरे हुए, फ्लैट खरीदे गए, कंपनी बनाई गई, सब कुछ हुआ। और ये सारी बातें जांच में निकल करके सामने भी आई, जो ED ने जो जांच किया उसमें ये सारी बातें सामने आई थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन जेल, और वो जेल भी कहाँ, NCB के मामले में, ED के मामले में। ये जो फ्रॉड हुआ मनी का, इसमें कुछ नहीं हुआ। NCB ने कुछ चैट्स वगैरह जब्त किए, कुछ ऐसी बातें NCB के द्वारा कही गई, कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आई जिससे ये साबित हुआ कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व है। तो आनन फानन में उनकी गिरफ्तारी हो गई, लगभग 25 दिन रही वो जेल के अंदर, उनका भाई भी, दोनों छूट गया, बाहर आ गए।
आराम से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, और जो SSR के फैंस हैं, परिवार हैं, वो आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये चीज़ें हो रही है, और जब हम बात करते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, इस मामले में कुछ होना चाहिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। आखिर बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की जनता चीज़ों को जल्दी भूल जाती है, लेकिन इस मामले में एक बात की तो बड़ी ही तारीफ करनी पड़ेगी। 2 साल होने वाला है, लेकिन इंसाफ की आवाज़ रुकी नहीं है, ये तो लगातार चल रही है। दूसरी तरफ जो PR एजेंसियां हैं, उन्होंने अपना काम जारी रखा है, और उनका काम ये है कि जो ये फैंस हैं, इनको कमज़ोर किया जाए, इनके बीच लड़ाई हो, इनके बीच कुछ ऐसी बातें हो जिससे कि ये मुहिम कमज़ोर पड़े, और इसमें वो कुछ हद तक सफल भी हैं। लेकिन चलिए मैं बात करता हूँ जस्टिस की। आपको पता ही है कि इस मामले में कई नाम बिल्कुल ही नज़दीकी तौर पे सामने आए, उनमें संदीप सिंह है, सैमुअल मिरांडा है, रिया चक्रवर्ती है, शौविक चक्रवर्ती है, और सिद्धार्थ पिठानी, भला कहिए, वो तो जेल में लगभग 1 साल से पड़ा हुआ है, वो जेल में क्यों है भाई? उससे कुछ पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? पूछताछ करके उससे कुछ निकलवाइए, 4 डंडे लगेंगे तो ज़रूर बकेगा, लेकिन उसको तो ऐसा लग रहा है कि बड़े सुरक्षित तरीके से जेल में रखा गया है, और उसको अच्छे अच्छे खाने मिल रहे हैं, और वो आराम कर रहा है, लाइफ भी सुरक्षित है, खाना भोजन मिल ही रहा है, रहने सोने का मिल ही रहा है, बाहर कोई डर भी नहीं है, ये कितना अच्छा उसके लिए हो गया। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि अगर आप जेल में रखे हैं तो क्यों रखे हैं, उसको पूछताछ करो। और वो तो सबसे नज़दीकी था, उस रात के बारे में वो कहता है कि 1 बजे रात को मेरे पास आए थे SSR, और उनसे काफ़ी सारा बात हुई, और इसने कहा था कि वो बेचैन लग रहे थे, वो परेशान लग रहे थे। इतनी बातें अगर कोई कह सकता है, और वो दिन भी याद है जब रिपब्लिक चैनल पे ये माइक निकाल करके भाग गया था, जब उसे अर्णव गोस्वामी ने पूछना चालू किया तो ये भाग गया था। तो जिसके मन में चोर होता है वही भागता है, वो सामना नहीं कर पाया अर्णव गोस्वामी के सवालों का। शक इतने ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया पे लगातार चीज़ें सर्कुलेट होती है, ये पॉइंट्स, अनगिनत पॉइंट्स हैं, अनगिनत बातें हैं, लेकिन एक अलग ही साजिश चल रही है, और वो साजिश पूरी तरीके से राजनीतिक है, और इस राजनीतिक साजिश को अगर आप समझ सकते हैं तो इस चीज़ को आप पूरी तरीके से समझ जाइए कि अब ये कहानी किस तरीके से किस तरफ घुमा दी गई है। न हम कुछ कहेंगे, न आप कुछ कहेंगे, हम चुप रहेंगे, न कोई जवाब आएगा, बस जांच तो चल ही रही है लेकिन हम कुछ कहेंगे नहीं, और जब हम कुछ कहेंगे नहीं आपको कोई जवाब मिलेगा नहीं। हाँ, एक ही जवाब मिलेगा, जांच चल रही है, और वो जांच पता नहीं 8 साल चलेगी या 18 साल चलेगी, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आवाज़ मजबूती के साथ बनाए रखिए, और आपकी जीत, मेरा जो अंदाज़ा है वो ज़रूर होगी। अगर मजबूत आप बने रहे तो जीतेंगे, और जीतने के लिए एकता ज़रूरी है। बस जय हिंद, जय भारत।